विधानसभा चुनाव में मतगणना की ड्यूटी में लगे कार्मिकों का प्रशिक्षण डीडीयू विश्वविद्यालय के कला संकाय भवन में सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में मुख्य प्रशिक्षक मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी, जिसके लिए कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा, यह मतगणना कार्मिकों का पहला प्रशिक्षण है तथा दूसरा प्रशिक्षण 6 मार्च को होगा। उन्होंने कहा, कार्मिकों को मतगणना के दिन मशीन से किस तरह से मतगणना करनी है, क्योंकि चक्रवार मतगणना करने का भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है, उसी के तहत हर चक्र में निर्धारित बूथों की मशीनें कंट्रोल यूनिट आती हैं और उस कंट्रोल यूनिट के जरिए मतों का परिणाम जो उस कंट्रोल यूनिट में संरक्षित है वहां पर उपस्थित काउंटिंग एजेंट प्रत्याशी को दिखाते हुए मतगणना शुरू की जाती है और उसके बाद फॉर्मेट भरने के बाद संबंधित आरओ टेबल को पहुंचा दी जाती है तथा हर राउंड के बाद जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे उनके पहले व दूसरे प्रत्याशियों का वोट अनाउंस किया जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य प्रशिक्षक मनोज कुमार गुप्ता एवं एडीएम फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, तो यही आपका दिन भर का कंट्रोल यूनिट के जरिए कैसे कैसे काम करना है, ये सारी चीजें दबाए निकालते हैं तो यहाँ सील किया रहता है, धागा पिरोया रहता है, उस धागे में एडजस्ट रह गए, उससे अपने बूथ इत्यादि का मिलान कर लीजिए, मिलान हो जाने पर उसके बाद इसको धागे को काट लीजिए नाइफ ब्लेड से और उसके बाद इसको खोलिए, ऐसे खुलेगा, इसके अंदर जाएंगे तो ये सील रहेगा और यहाँ एड्रेस टैग लगा रहेगा, स्पेशल एड्रेस टैग, इसको कोई छिड़खानी नहीं करनी है, एज इट इज पड़ा रहेगा। उसके बाद इसमें जो पेपर है या ग्रीन स्पॉट होगा उसको क्लियर कर दीजिए ब्लड से, उसके बाद उसमें उंगली डाल करके उसको दबाइए और रिजल्ट सारे जो वहाँ पर एजेंट हैं उनको दिखाइए और अपने भी देखें और अपना फॉर्मेट इत्यादि जो बनना है रिजल्ट का वो भरिए और अपना सुपरवाइजर साहब दर्शन करेंगे, काउंटिंग सुपरवाइजर, यही यूनिट बस आएगी आपके टेबल पर काउंटिंग के दिन, बाकी बीयू वीवीपैट इत्यादि इस सामान्य काउंटिंग के दौरान उस सब की जरूरत नहीं है, वो नहीं आएगा। आप लोग में कितने कैसे कितने लोग हैं जो सेक्टर में स्टेट हैं? हाँ देखिए, आप लोगों को बहुत गंभीरता से हमने ट्रेनिंग वहाँ दे दी थी और आपको एक हिदायत अनिवार्य रूप से दे दी कि मॉर्निंग में रियल पोल स्टार्ट होने से वो सीआरसी करके डिलीट कर दिए गए हैं और हमारी मशीन जीरो स्टेटस में है। जितने सेक्टर में स्टेट साहबान हैं वो सुबह बूथ पे जो मतदान है वो जब शुरू होने जा रहा है रियल पोलिंग, तो उसके पहले आपके मशीन की स्टेटस जीरो है। होने के बाद मशीन में क्लोज बटन का दबाया जाना अनिवार्य है, अगर आप क्लोज बटन नहीं दबा पाए वहाँ पे किसी पीठासीन ने जान बुझ के छोड़ दिया या फोर से, तो आप काउंटिंग के दिन से काउंटिंग करने में थोड़ा अपने आप को असमर्थ पाएंगे, क्योंकि जब रिजल्ट बटन दबाने जाएंगे तब ये काम नहीं करेगी, इनवैलिड लिखने लगेगा, तो इनवैलिड लिखने का मतलब है कि मशीन क्लोज नहीं की गई, तो उस दिन इसके इसका प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अपनाते हुए फिर इसकी काउंटिंग की जाएगी। ऐसे सभी मशीन पर निर्देश है कि आरओ टेबल पर इकट्ठा कराए जाए जो अनक्लोज है, फिर उस पर जब वो अपना डिसीजन देंगे तब फिर आगे काउंटिंग कैसे की जानी है, निर्वाचन आयोग का क्या निर्देश है, उसके अनुसार आप उसकी काउंटिंग करेंगे, तो ये सारे काउंटिंग में निर्णय लेंगे। उसके बाद इस कंट्रोल यूनिट का अपना खुद का इंटरनल जो आईडी है वो दिखा रहा है। मैं मनोज कुमार गुप्ता, DLMT गोरखपुर। सामान्य विधानसभा निर्वाचन 2022 जनपद गोरखपुर, काउंटिंग के दिनांक 10 तारीख से पहले काउंटिंग कार्मिकों को आज उनका प्रशिक्षण चला रहा है, यहाँ विभिन्न 10 कमरों में चलाया जा रहा है। मतगणना से संबंधित पहला प्रशिक्षण है, द्वितीय मतगणना प्रशिक्षण इनका 6 मार्च को कराया जाएगा। और क्या क्या बताया जाए, मतगणना के दिन इनको मशीन से कैसे मतगणना करनी है, जब अपन सुबह 6 बजे पहुंचते हैं सबसे पहले वहां पर ये लोग अपना
किस टेबल पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है, उनकी पार्टी की काउंटिंग पार्टी की, वो तय किया जाता है। उस टेबल पर पहुंचते हैं लोग, फिर चक्रवार गणना करने का भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है, उसी के तहत हर चक्र में निर्धारित बूथों की मशीनें कंट्रोल यूनिट आती है और उस कंट्रोल यूनिट के जरिए मतों का परिणाम जो उस कंट्रोल यूनिट में संरक्षित है उसको वहाँ उपस्थित काउंटिंग एजेंट्स और या प्रत्याशी जो भी उपस्थित हैं उनको सबको दिखाते हुए काउंटिंग की कार्रवाई काउंटिंग सुपरवाइजर द्वारा और उनकी टीम द्वारा तय की जाती है और फिर उसके उपरांत फार्मेट भरने के बाद वो संबंधित आरओ टेबल पर पहुंचा दी जाती है, जिसका वहाँ पर कंपाइलिंग इत्यादि का काम आरओ साहब करते हैं और फिर हर राउंड के बाद वो वहाँ पर जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे उनका परिणाम नंबर एक दो का अनाउंसमेंट इत्यादि का कार्रवाई वो कर रहे होते हैं। कुमार सिंह, डिप्टी डीओ गोरखपुर हूँ। हमारे यहाँ 9 विधानसभाएं हैं जिनकी काउंटिंग 10 मार्च को होगी। तो जो हमारे काउंटिंग पर्सनल है, चूँकि हमारे यहाँ पोलिंग 3 मार्च को हो रही है, 3 मार्च से 10 मार्च के बीच हमारे पास समय कम है, लिहाजा निर्णय ये लिया गया कि एक ट्रेनिंग हम इनकी पहले कर दें। आज काउंटिंग पर्सनल की ट्रेनिंग यहाँ पर चल रही है, सेकेंड ट्रेनिंग इनकी 6 तारीख को होगी और उस समय ही इनको और भी व्यवस्थाएं बता दी जाएंगी।